हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर मार्क्स फॉर श्योर सीरीज। आज मैं फिर आपके साथ आपके सामने लेकर आ गई हूँ बायोलॉजी का एक नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है एंड दैट इज फ्रॉम द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये जो आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेल चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपके सामने यहां पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एंड द क्वेश्चन सेज द एंडोसिम्बायोन थ्योरी सजेस्ट दैट देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट लाइक। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बेटा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो एंडोसिम्बायोन थ्योरी है वो सजेस्ट करता है कि प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। ये सिमिलैरिटीज क्या हो सकती हैं वो आपको आंसर टिक करना है। और यहां पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। ओके, नाउ तो सबसे पहले बात आती है कि एंडोसिम्बायोन थ्योरी है क्या या एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है क्या। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के इवोल्यूशन के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैसे बना उसको डिफाइन करने के लिए एक थ्योरी दी गई एंड दैट थ्योरी इज नोन एज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, तो इट सपोर्ट्स इवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए देखते हैं ये थ्योरी क्या कहती है। ये थ्योरी इसके वर्ड से ही डिफाइन हो रहा है। एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो मतलब हो गया इनसाइड एंड सिम्बायोटिक का मतलब होता है म्यूचुअल, मतलब ऐसा एसोसिएशन, ऐसा इंटरैक्शन दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होगा। ठीक है, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, यहां पर दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होगा। अब ये दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं क्या, ये क्वेश्चन आता है। ये तो पता चल गया कि म्यूचुअल इंटरैक्शन है, किसी कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कौन से दो ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन आता है। तो जब इवोल्यूशन हो रहा था तो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल आकर रहने लगा, ठीक है। इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास एटीपी फॉर्मेशन की कैपेसिटी थी, एटीपी फॉर्मेशन ये कर सकता था। तो विद टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे गया, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर रह रहा था, इट इज इवॉल्व्ड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का इवोल्यूशन ऐसे हो गया। ऐसे ही एक यूकैरियोटिक सेल था। ठीक है, इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक साइनोबैक्टीरिया आकर रहने लगा। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये साइनोबैक्टीरिया करता क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया करता है फोटोसिंथेसिस। फॉर द फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस, जो कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजेनिक मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला फोटोसिंथेसिस, ये साइनोबैक्टीरिया में ही हुआ था। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है,
इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइनोबैक्टीरिया आकर रहने लगा और ये फोटोसिंथेसिस करता था, तो ये विद टाइम इट वॉज इवॉल्व टू क्लोरोप्लास्ट। तो ये बन गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहता है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये कहता है कि आज हम जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, दैट इज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दैट हैज एग्जिस्टेड एज सम प्रोकैरियोटिक सेल। वो एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह कभी एग्जिस्ट किया था, ठीक है, वो एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह एग्जिस्ट किया था। यहां पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसे हो रहा है? इस साइनोबैक्टीरिया को रहने की जगह मिल गई, शेल्टर मिल गया यूकैरियोटिक सेल के अंदर। बदले में साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करके यूकैरियोटिक सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया। इन द सेम वे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल था, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहने आया था, इस प्रोकैरियोटिक सेल को यहां पर शेल्टर मिल गया, और इन रिटर्न इस प्रोकैरियोटिक सेल ने यूकैरियोटिक सेल के लिए एटीपी प्रोड्यूस एटीपी फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की। अब बात ये आती है कि पता कैसे चला, क्या इसका प्रूफ क्या है कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व हुए हैं? तो उसको सपोर्ट करते हैं थ्री फीचर्स। वो थ्री फीचर्स मैं आपको बताती हूं, थ्री फीचर्स जो कि सिमिलर हैं प्रोकैरियोट्स क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में थ्री फीचर्स सिमिलर हैं। वो फीचर्स मैं आपको बताती हूं, वो फीचर्स क्या हैं? तो वो फीचर्स हैं, फर्स्ट फीचर है कि इन तीनों के पास अपना डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जीसी रिच गुआनिन साइटोसिन रिच डीएनए है, डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, दिस डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, ओके। एंड यहां पर 70S राइबोसोम है, तीनों स्ट्रक्चर्स में 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ओके। सेकेंड फीचर है कि प्रोकैरियोट्स क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया तीनों के आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन प्रोटीन है, आउटर मेम्ब्रेन हैज पोरीन प्रोटीन, ठीक है। तो ये एक फीचर कॉमन हो गया, पोरीन प्रोटीन तीनों में है, डीएनए तीनों में है। एंड थर्ड थिंग, तीनों के पास, प्रोकैरियोट्स के पास भी, क्लोरोप्लास्ट के पास भी और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एटीपी सिंथेसाइजिंग मशीनरी प्रेजेंट है। मतलब तीनों स्ट्रक्चर्स में एटीपी प्रोड्यूस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोड्यूस होती है और प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम के हेल्प से एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो तीनों के पास ईटीएस और एटीपी सिंथेसाइजिंग मशीनरी प्रेजेंट है, ओके। तो अब हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। फर्स्ट इज सर्कुलर डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स एंड 70S राइबोसोम। तो बेटा सर्कुलर डीएनए तो प्रेजेंट है बट इट इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं है। 70S राइबोसोम भी है, सर्कुलर डीएनए भी है, बट इट इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, सो दिस इज इनकरेक्ट। बी इज
presence of circular DNA not associated with histone proteins and 70S ribosome. Yes, circular DNA है which is not associated with histone proteins. अभी हमने discuss किया कि ये histone proteins के साथ associated नहीं होगा और 70S ribosome भी present होगा. So B is your correct option. B is your correct option. Third is ETS and ATP forming machinery not present. तो यहां पर ETS और ATP forming machinery present है. This is also incorrect. And C is, D is, porine proteins are absent. No, porine proteins are present in outer membrane. तो porine proteins भी present है. So, this is also incorrect. D is incorrect. So, your correct answer is B. Now, हमने जो कल question for practice था, वो discuss कर लेते हैं. तो, question for practice is, Metaphase 1 of meiosis 1 differs from metaphase 2 of meiosis 2 because metaphase 1. तो metaphase 1 में ऐसा क्या होता है जो metaphase 2 में नहीं होता. तो metaphase 1 में 2 equatorial plates are formed. यहां पर 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स बनते हैं. ठीक है, मेटाफेज 2 में एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बनता है. ओनली 1 इक्वेटोरियल प्लेट इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो यहां पर मेटाफेज 1 में 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स आर फॉर्म्ड. So, B is your right answer. A में लिखा only 1 equatorial plate is formed. This is in metaphase 2. Metaphase 2 में सिर्फ एक equatorial plate बनेगा. Next is spindle fibers are attached to both side of centromere. तो जो spindle fibers आते हैं, ये सेंट्रोमियर के दोनों साइड पर अटैच होंगे. ये कब होगा? मेटाफेज 2 में ऐसा होगा. मेटाफेज 1 में जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो क्रोमोसोम के एक साइड पर ही अटैच हो पाएंगे. ठीक है, ऐसा होगा. तो ये होता है मेटाफेज 1 में. तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये भी किसके लिए हो गया? मेटाफेज 2 के लिए हो गया. Next is monad chromosomes are aligned on equatorial plate. Monad chromosomes are aligned on equatorial plate. तो यहां पर दोनों कंडीशन में ये जो आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, this is dyad chromosome. Metaphase 2 में dyad chromosome align होता है on equatorial plate. And metaphase 1 में homologous pairs are arranged. ठीक है, तो ये ऑप्शन दोनों में से किसी के लिए करेक्ट नहीं है. मोनैड क्रोमोसोम इज अ क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमेटिड. दिस इज मोनैड क्रोमोसोम. तो फोर्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर इज नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द फेज. ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो गया. ठीक है, now today's question for practice is this. ठीक है, यहां पर gas vacuole, single envelope system, cytoskeleton, non-cellulosic wall, microfilament, cytoplasmic streaming, lack of any cell organelle. How many of the above features are associated with prokaryotic cell? तो prokaryotic cell के लिए कितने फीचर्स इन्वॉल्व्ड हैं? 1, 4, 2 and 3 आपको आंसर बताना है. आंसर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन कमेंट दैट टू. ओके, थैंक यू.